किसानों का दर्द समझता हूँ। आज दिक्कत किसान को आ रही है और सांसें मेरी रुक रही। आज इस सदन में बैठा हुआ हर किसान का बेटा या आज जो खेती करता है वो बैठकर यही सोच रहा है कि किस तरीके से इस बिल से निजात दिलाएगी। मगर मजबूरी है कई साथियों की, वो सत्ता पक्ष में है कि वो इस बिल के विरोध में वोट नहीं डाल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ भूमि अधिग्रहण की बात करी जाती है, आज जहाँ ये पार्लियामेंट है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, ये रायसीना गांव था। 1911 के अंदर वायसराय ने एक ऊंची पहाड़ी देखी और वहाँ पर अपने लिए राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े आलिशान बंगले को बनाने की शुरुआत की। उन किसानों को जो रायसीना हिल पर रहते थे उठाकर सोनीपत जिले में भेजा गया। आज यहाँ पर अरबों की जमीन है और सोनीपत वाला किसान जो यहाँ से 100 साल से पहले सोनीपत भेजा गया था, आज वो लाखों रुपए एकड़ की जमीन का मालिक बने बैठा है। लैंड एक्विजिशन ये हालात कर देती है किसानों की, जब उसको डिस्प्लेस किया जाता है, उसको उठाकर भेजा जाता है, तो उसको सोसाइटी के अंदर दोबारा जगह बनाने में भी दिक्कत आती है। सरकार कहती है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन बहुत जरूरी है, मगर क्या वो लैंड एक्विजिशन हमारे NCR के अंदर आती है? क्या वो लैंड एक्विजिशन हमारे मेट्रोज के पास आती है? सिर्फ लैंड एक्विजिशन को यहीं रखा जाता है। कल हमारे बड़े भाई साहब कीर्ति आजाद जी ने जब इस बिल का स्वागत किया तो कह रहे थे कि दरभंगा के अंदर फैक्ट्रियां लगेंगी। अगर माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये विश्वास दिलाएं कि हरियाणा के सभी 21 जिलों के अंदर बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, तो जब मैं 11 महीने का था, चौधरी देवीलाल जी ने मेरे नाम पर 21.5 एकड़ जमीन रेतीली मेरे नाम पर करवाई थी। आज मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगी तो लंबी के पास तो रेलवे लाइन भी है, हाईवे भी है। मैं सरकार को वो जमीन मुफ्त में देने को तैयार हूँ, सरकार हमारे लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज लाकर डेवलपमेंट का विश्वास दिलाने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, जहाँ कल कीर्ति जी कह रहे थे कि लोगों को स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को जमीन की ज़रूरत है, मैं हरियाणा का वाक्या भी नहीं लेता। पिछले दिनों दिल्ली चुनाव में मुझे नजफगढ़ के रोशनपुरा गांव में जाने का मौका मिला और वहां पर ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे बताया कि 17 एकड़ जमीन आज से 17 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार थी, ग्राम पंचायत ने दिल्ली सरकार के नाम पर रजिस्टर करवाई कि वहां पर स्कूल खोला जाए। मगर 17 साल में 15 साल इनकी सरकार रही, 2 साल इनकी सरकार रही, वहां पर आज तक लोगों को कॉलेज नसीब नहीं हुआ, वो 17 एकड़ जमीन आज भी बंदर पड़ी है। आज सरकार कहती है अफोर्डेबल हाउसिंग हमने लेकर आना है। हम किस तरह की अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं? आज गुड़गांव को उठाकर देखिए, दिसंबर 2013 की रिपोर्ट है कि गुड़गांव अकेले के अंदर 9 लाख फ्लैट और घर खाली पड़े। अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है तो उन पूंजीपतियों को जाकर कब्जा कीजिए जिनने अपने नाम पर 20-20 फ्लैट लेकर गुड़गांव में छोड़ रखे हैं, और गरीबों को वो फ्लैट देने का काम कीजिए। मगर सरकार तो ये देखती है कि किस तरीके से जहां मल्टी क्रॉप्स निकलती है उस भूमि को लेकर हम आगे प्रॉपर्टी डीलरों को बेचे, और 4 एकड़ जमीन में 1 एकड़ में वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा, 3 एकड़ में 50-50 लाख के फ्लैट बचाकर बेचने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ ये बिल लाया जाता है और बिल के अंदर सेक्शन 197 की बात करी जाती है। सरकार ये जवाब देने का काम करे। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस देश का इतिहास उठा लो, जब से CRPC बना है सेक्शन 197 के तहत एक भी अधिकारी के खिलाफ सैंक्शन तक नहीं हुआ नोटिस। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, और गरीब किसानों की जमीन पर छीनने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, जहां लैंड एक्विजिशन की बात करी जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे कांग्रेस के साथी भी यहां बैठे, कल सतागत जी बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर 10 सालों में 65,000 एकड़ जमीन एक्वायर हुई। मैं वो यहां है नहीं, उनको बताना चाहूंगा 65 नहीं 70,000 एकड़ जमीन
10 सालों में एक्वायर हुई। और माननीय मंत्री जी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा थे, आपने भी समर्थन किया, विधानसभा में रूल पारित कर जमीन दिलाने का काम किया था। आज आप दोबारा इस तरफ आकर इस बिल को इस सदन में पेश करने का काम कर रहे हैं। वो 77,000 एकड़ तो 10 साल में एक्वायर हुए। अगर आपकी ये पॉलिसी आ गई तो अगली दो पीढ़ियां हरियाणा प्रदेश की, उसके बाद हरियाणा के अंदर जमीन नहीं बचेगी, आप पूरे हरियाणा को एक्वायर कर। मैं एक वाक्या सर छोटू राम का भी सदन में लाना चाहूंगा। सर छोटू राम जी संबल में गए थे, और संबल में जब वो गए और उन्हें देखा कि महिलाएं अपनी पीठ दिखाकर मंच को बैठी, उनने पूछा कि ये महिलाओं के ऊपर वस्त्र क्यों नहीं है, ये पीठ दिखाकर क्यों बैठी है, तो सर छोटू राम जी को बताया गया कि इनके पास जमीन नहीं है। उनने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को जमीन का आधिकारिक मालिक बनाने का काम किया, और आज उन्हीं के वंशज उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। और मैं सरकार के समक्ष सर छोटू राम जी का एक वाक्य लाना चाहूंगा और कोट करूंगा कि हिंदुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहना चाहता हूं कि वो किसान को इस कदर तंग ना करे कि वो उठ खड़ा हो, इस भोलेनाथ को इतना तंग ना करो कि वो तांडव नेत्र पर उतर आए। दूसरे लोग जब सरकार का विरोध करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, मगर जब किसान सरकार का विरोध करता है तो वो कानून नहीं सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। और मैं आज सरकार को बोलना चाहूँगा कि किसान रूपी जो हमारी जमात है, ये किसी जाति विशेष से नहीं आती, आज 36 बिरादरी खेतों के अंदर काम करने का काम करती है। आज आप उस किसान की पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं सदन के एक एक साथी से अपील करूँगा कि उस किसान को बचाने का आप काम करें। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इस बिल का पूर्ण तौर पर विरोध करती है।